हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालाइज। जैसे कि आप देख पाओ, पहले न्यूज़ पे चलते हैं। न्यूज़ पे जाने के बाद आप लोग देख पाओगे 17 अक्टूबर से स्टार्ट कर 17 अक्टूबर से स्टार्ट करने के बाद आप लोग देख पाओगे जो यूएसए का न्यूज़ है, एम्पायर स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का एक न्यूज़ है। एंड सेकेंड जो न्यूज़ है वो आई थिंक CPI भी है NZD का, और भी न्यूज़ है आई थिंक थर्सडे पे, और न्यूज़ है वेडनेसडे पे GBP का CPI है। तो रिमेंबर CPI बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है, ये सिर्फ बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। और CAD का भी CPI है, तो 20 फ्राइडे है, फ्राइडे तक, फ्राइडे आई थिंक फ्राइडे पे है, फ्राइडे ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। तो न्यूज़ पे हर टाइम ध्यान रखना, क्योंकि न्यूज़ कुछ भी हो सकता है तो मार्केट कुछ भी डायरेक्शन ले सकता है। तो मार्केट में हर टाइम न्यूज़ पे ध्यान रखना। तो पहले चलते हैं DXY पे भी। DXY 1 वीक के चार्ट ओपन करना है। 1 वीक पे तो अभी और स्टिल बुलिश है, बुलिश क्लोजिंग दिया है, आप लोग देख पाओगे। और उधर का टारगेट है 120 का टारगेट है, बहुत ज़्यादा ऊपर टारगेट है। तो 1 डे पे जाने के बाद आप लोग देख पाओगे कि ऑलरेडी बुलिश कंफर्मेशन दे चुका है। तो मेरा जो व्यू है वो इधर से एक सेलिंग हो सकता है। हाँ, तो यही व्यू है कि इधर से सेलिंग हो सकता है। तो अभी भी ये स्टिल बुलिश है, ये एक भी होना चाहिए। पहले XYZ पे चलते हैं। XYZ पे जाने के बाद आप लोग देख पाओगे मार्केट का जो लास्ट 1 वीक पे 1 वीक का क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा बेरिश पे दिया है। वो ऑलरेडी अभी भी वीक है गोल्ड, और वीक अभी भी वीक है वो। लास्ट इधर सपोर्ट लिया है, जब सपोर्ट लिया है उधर का 1 आई थिंक 1640 पे एक सपोर्ट था, उधर सपोर्ट ले चुका है मार्केट में। 1 डे पे चलते हैं। 1 डे इंटर डे पे जो लेवल निकलता है वो 120 पे निकलता है बस लेवल, एंड अदरवाइज लेवल जो मिलता है मैं आपको, आप लोगों को निकाल के चैनल लगा के दिखाता हूँ। तो आप लोग देख पाओगे ये एक चैनल है, चैनल के अंदर अभी भी गोल्ड है, ये देखो अभी एक चैनल है एंड इधर है। तो गोल्ड का जो चैनल के हिसाब से टारगेट तो आई थिंक और नीचे जा सकता है, बस ऐसे करके ऐसे आया है इधर आके। इधर आने के बाद इधर से ये जो वेब पूरा करने के लिए आई थिंक 1550 तक जा सकता है, ये देख सकते हो 1550 एग्जैक्ट लेवल, 1550 से ऊपर जा सकता है। बट ये लॉन्ग टर्म है, मैं जस्ट एक व्यू दे रहा हूँ। 1550 तक जा सकता है, ये जो 1640 पे है अभी मार्केट, 1650 पे जा सकता है। ये देखो पूरा इधर का भी जो चैनल का भी, और चैनल का जो भी कह लो उसका भी, अभी भी नीचे का जो सपोर्ट बनता है वो 1650 पे बनता है। तो 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे जाने के बाद आप लोग का मैं एक व्यू शेयर करता हूँ। जो व्यू है इंटरडे का लिए जो व्यू है वो तो 1640 के नीचे स्ट्रॉन्ग अभी भी सेल है, और 1640 के नीचे और स्ट्रिंग और भी नीचे जा सकते हैं 1620 तक। और सेलिंग अभी मंडे या वेडनेसडे पे जो सेलिंग रहेगा वो आई थिंक 1660 पे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोगों का सेलिंग, क्योंकि इधर की एरिया है और इधर के ऊपर ब्रेकआउट देते तो आप लोग स्ट्रक्चर शिफ्ट हो सकते हो। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आप लोग भी जान सकते हो कि इधर से क्लोजिंग देते ऊपर जा सकते हैं। इससे एवरीथिंग मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये सब एक मेरा एक व्यू है, ये कुछ भी 100% नहीं है, ये आप लोग याद रखना। इधर से भी नीचे आ सकता है 1640 से, इधर से टेस्ट देने के बाद एंड ऑलरेडी और स्मॉल टर्म रहेगा कि 1650 पे और एक सेल, जैसे 1650 या 54 पे ये एक लेवल है। इधर से एक आप लोग भी 4 आई थिंक स्मॉल 1 आवर पे जाने के बाद मैं आप लोग वो शेयर करता हूँ। 1 आवर पे 1650 पे, 650 से आई थिंक 54 पे ये जोन बनता है, तो इधर से भी सेलिंग हो सकता है। तो आई होप आप लोग थोड़ा बहुत आप लोग ये सब व्यू दे रहा हो कि अभी भी गोल्ड वीक है और नीचे जा सकता है, और नीचे कंटिन्यू कर सकता है। और बाइंग के लिए ज़्यादा मत सोचो, बट इंटरडे के लिए आप लोग बाई कर सकते हो। बट लॉन्ग टर्म जो पोजिशन की बात कर रहा है वो अभी भी सेलिंग है, और अभी भी GBP USD पे चलते हैं। GBP USD पे जाने के बाद आप लोग देख पाओगे मार्केट का जो पाउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि उन लोगों का बैंक भी बहुत ज़्यादा मुदाक्रियत कर रहा है कि ऊपर जा सकता है। तो आई होप मार्केट का जो अभी भी स्ट्रक्चर है वो तो बुलिश है, बट बेरिश ही है, बट
एक बुलिश का मोमेंटम आ चुका है, बुलिश का एक मोमेंटम आया है बस, कि अभी ऊपर जाने के लिए एक मोमेंटम मिलता है, वो मोमेंटम मिल चुका है मार्केट को। तो मेरा जो व्यू है, जस्ट शॉर्टली मैं व्यू शेयर करता हूँ, ज़्यादा नहीं है, कि यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे जो 6 1 पॉइंट आई थिंक 1.1109 से 1.1032 से ऊपर से इधर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं, इधर से एंड इधर से ब्रेकआउट कर ले तो स्टिल बहुत अच्छा मूव दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो 500 पिप्स का बहुत अच्छा मूव दे सकता है। रिमेंबर इट, आप लोग हर टाइम रिस्क मैनेजमेंट भी यूज़ करना। और USDJPY को तो क्या ही बोलूँ, वो तो आप सेल करो किसी भी इंडिकेशन नहीं मानता, बस फुल्ली ट्रेंड पे है। ये देख सकते हो ट्रेंड का जो इंडिकेशन है, किसी भी इधर एंगल्फिंग दिया है, फिर से ब्रेकआउट कर दिया है। ये जो ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता है, आप लोग भी जानते हो ये जो पैटर्न, ये आई थिंक ये जो पैटर्न के बारे में आप लोग भी जानते हो, बट ये कुछ भी सपोर्ट नहीं मान रहा है। तो आई होप एंड USD, और एक चीज़ आप लोग याद रखना, US मीन्स US का बॉन्ड जो है वो अभी भी स्टिल बुलिश पे क्लोजिंग दे चुका है। तो अभी भी गोल्ड बहुत ज़्यादा बेरिश जा सकता है, ये अभी भी कुछ भी बुलिश नहीं है। और बुलिश में ज़्यादा ट्रेड मत लेना, बेरिश पे ज़्यादा ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अभी भी बेरिश है, तो ट्रेंड फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग, आप लोग रिस्क मैनेजमेंट यूज़ कीजिएगा। एंड आप लोग और एक चीज़ याद रखना कि आप लोग कभी भी ट्रेड ओवर ट्रेड मत करना, क्योंकि ओवर ट्रेड बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होती है। तो ओवर ट्रेड से इग्नोर करो और लेस ट्रेड कीजिए, और स्लोली लेवल पे ट्रेड कीजिए। लेवल बहुत अच्छा अच्छा लेवल मिल सकता है आप लोगों को, जैसे कि 1650, और भी लेवल्स मैंने शेयर किया है। 1640 के नीचे सेल है, और 1620 से बहुत अच्छा 100 पिप्स का एक ट्रेड मिल सकता है। 1650 से स्मॉल टाइम सेल हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। और ये आप लोग सेंटीमेंट भी देख सकते हो, एफएक्स ट्रेड के साइट पे जाने के बाद आप लोग सेंटीमेंट देख सकते हो कि क्या चल रहा है, 1 वीक पे क्या चल रहा है, 1 मंथ पे क्या चल रहा है। तो ये भी आप लोग देखना, थोड़ी बहुत ये सब रीड करना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू।